रिटायरमेंट पर हेलीकॉप्टर से घर आने के लिए चपरासी ने खर्च किए 3.5 लाख रुपए। फरीदाबाद में एक सरकारी स्कूल के चपरासी कुदेराम ने रिटायरमेंट पर घर तक की 2 किलोमीटर की दूरी हेलीकॉप्टर से तय करने के लिए 3.5 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने बताया, मैंने 40 साल तक चपरासी की नौकरी की, आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे अलग दिखाए। हेलीकॉप्टर के लिए गाँव में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था। बिजली विभाग का पुलिस से बदला, लाइनमैन का चालान काटा तो कर दी थाने की बत्ती गुल। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को लाइनमैन का चालान काटना भारी पड़ गया। चालान कटने से नाराज लाइनमैन ने थाने की बिजली काट दी। दरअसल लाइनमैन बिजली का तार जोड़ने जा रहा था, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाइनमैन श्रीनिवास की गाड़ी रोकी और 500 रुपए का चालान काट दिया। बस फिर क्या था, नाराज लाइनमैन ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद बिजली बिल बकाया होने पर थाने की बिजली काट दी गई। अफगानिस्तान में हाईवे पर बम धमाका, महिलाओं बच्चों समेत 34 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में हेरात कानर हाईवे पर एक बस पर किए गए बम धमाके से कम 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक तालिबान द्वारा किए गए हमले में मारे गए लोगों और घायलों में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अयोध्या जमीन विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में गठित मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी। हिरासत में लिए गए फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने के आरोपी आजम के बेटे। उत्तर प्रदेश से सपा सांसद आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम को फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सक्सेना का आरोप है कि अब्दुल्ला के जन्मतिथि, शैक्षणिक दस्तावेजों और पासपोर्ट में अलग अलग दर्ज है। सेना की परेड पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, 32 की मौत। हुती विद्रोहियों द्वारा चलाए जाने वाले एक टीवी चैनल के अनुसार ये परेड यमन के दक्षिणी इलाके में बसे तटीय शहर अदन में हो रही थी, तभी हुती विद्रोहियों ने मिलिट्री परेड को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई। एमपी पुलिस ने शुरू की नोटबंदी के समय सहकारी बैंकों में जमा हुए 110 करोड़ रुपए की जांच। मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने नोटबंदी के दौरान सहकारी बैंकों के बचत खातों में जमा हुए 110 करोड़ रुपए को लेकर जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ के डीजी अशोक अवस्थी ने कहा कि भोपाल, ग्वालियर और सागर के बैंकों में जांच शुरू की गई है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने के लिए मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को तूतीकोरिन में गिरफ्तार किया गया है। अदीब ने एक मालवाहक जहाज के क्रू सदस्य के तौर पर भारत में दाखिल होने की कोशिश की, हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो खबर की सत्यता की जांच कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है अमेज़न, मिले इससे संबंधित 210 पेटेंट। रॉयटर्स ने दिसंबर 2016 से मई 2019 तक मंजूर किए गए 5000 से अधिक अमेरिकी पेटेंट का विश्लेषण कर बताया है कि अमेज़न को ड्रोन से लेकर स्वचालित वाहन तक परिवहन संबंधित तकरीबन 210 पेटेंट मिले हैं। खबर है कि अमेज़न ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। अमेज़न ने पिछले 2 साल में परिवहन संबंधित 3 स्टार्टअप खरीदे हैं। भारत से छिना दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का ताज, 7वें नंबर पर लुढ़का भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था के साल 2018 में सुस्त रहने की वजह से भारत को अब बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। भारत के सिर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज छिन गया। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत 7वें पायदान पर पहुंच गया है। दरअसल विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था में भारत के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई, जिस वजह से इन दोनों ने एक एक पायदान की छलांग लगाई। अब ब्रिटेन 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि फ्रांस 6वें नंबर पर है। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्याय भारत।